आज इस कमरे में एक घंटे से घूम रहा हूँ। मेरी आज 180 से 185, 180 टू 185 के बीच में बेंच है, बट मेरी हालत अगर आवाज से आपको समझ में आ रहा है तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा ऐसा दिमाग एकदम गुस्सा आ रहा, मन कर रहा खुद को क्या बोलूँ, पता नहीं क्या हो रहा है यार। एवरी टाइम आई फीलिंग इल भाई, अभी बहुत ज़्यादा फीवर और फुल सर्दी जुकाम हो रखा है। बट दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी पोर्ट्रेट, सो फिर भी मेरे को करना है ये। मैं कोई ऐसे बहाने और स्ट्रगल में नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि काम जो है वो काम करना ही है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कैसे ग्रो होते हैं, कैसे सक्सेस होते हैं। मैं आज चाहूँ भाई, मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, मैं ये वीडियो स्किप कर दूंगा, 3 दिन बाद बना लूंगा, बट मेरा काम तो आज है ना कि 180 185 की बेंच लगानी थी आज मेरे रूटीन में। माफ़ करना भाई, आवाज़ फुल ऑफ आएगी, बट आई हैव टू डू दैट और उसको मेरे को करना है, ठीक है। हम कुछ 40-50 दिन बचे हैं कंपटीशन के एंड मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई हैव टू डू इट। 200 केजी बेंच का टारगेट लेके मैं चला था। जब मैंने स्टार्ट करा था प्रेप, मैंने यहाँ पे 200 केजी लिखा था। मेरे को ये दोनों लगते हैं कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, 300 और 325, बट ये 200 ना, जबकि मैंने 187 की बेंच कर रखी है, 190 भी अभी कर लिया है, तो 10 केजी, बिकॉज बेंच बढ़ाना बहुत ज़्यादा टफ होता है और मेरे एल्बो में बहुत पहले से पेन है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इसके बाद क्यों पावर लिफ्टिंग छोड़ रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, मेरे एल्बो मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको पता नहीं होगा, मे बी माइक अगर पकड़ पाए तो ये देखो आई आवाज़ मेरे एल्बो से ना आवाज़ आती है ऐसे जब मैं करता हूँ। मैं टूटा हुआ हूँ तो आई नीड अ ब्रेक। मैंने बहुत पुश किया है इम्प्रूव करने के लिए खुद को, एंड आई एम प्राउड कि मैंने इतना पुश किया पेन में भी अपने आप को। मैं रोया हूँ, चिल्लाया हूँ पेन से रूम में अकेले, बट मैंने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आज ना मैं कॉलेज में गया था एज अ गेस्ट, तो अजीब लग रहा था। मैं 2 साल पहले कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, कॉलेज में गया था एज अ गेस्ट, सारे बंदे मेरे को जानते हैं। तो एक कोट है, जो ये हेटर्स वेटर्स होते हैं ना वो बस ऑनलाइन होते हैं मे बी, बिकॉज मैं जब भी कॉलेज जाता हूँ बाहर जाता हूँ मेरे को हमेशा प्यार करने वाले लोग मिले हैं, हमेशा सपोर्ट करने वाले लोग मिले हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग। और एक बंदे ने बड़ा क्वेश्चन पूछा कि अभी भी क्यों इतना पुश कर रहे हो, थोड़ा अपना नाम अलग बनाना है इस इंडस्ट्री में फिटनेस। जब आप YouTube खोलो तो मेरे चैनल पे आओ तो थोड़ा आपको लगना चाहिए कि क्या बंदा है, बस इसी चीज़ के लिए। कुछ भी बदलेगा नहीं, बस इसी चीज़ के लिए। उस मेडल से कुछ नहीं बदलेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में पैसे वैसे से कुछ भी नहीं बदलेगा भाई, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बस आपसे जब मिलूंगा ना तो आप कहोगे क्या बंदा है यार, एशियन मेडलिस्ट, एंड फॉर दैट वी कीप फाइटिंग। मैं आपके रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए, लोगों की रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए, एंड खुद की रिस्पेक्ट, खुद की नज़रों में अर्न करने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने इस कंडीशन में बहुत ही बढ़िया 180 प्लस की बेंच करी, एंड ऑल्सो मैं आज 6 घंटे कॉलेज में था चीफ गेस्ट, बहुत दूर है यार, दिल्ली से मैं गया था नोएडा, वो है 3 घंटे की ड्राइव, फिर वापस आया, 3-3, 6 घंटे ड्राइव हो गई और वहाँ पे 4 घंटे, टोटल 10 घंटे मैं सुबह गया था, सुबह 9 बजे निकला था, अभी रात के 9 बज रहे एंड मैं अभी आया हूँ। बट कोई नहीं, ये तो लाइफ है, काम भी करना है, ये ज़रूरी है। एंड मैं बस, मैंने अपने आप को बस रूम में लेके आया जिम में, एंड बस आधे 1 घंटे से बैठा हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरे पे सिर्फ अब लिटरली 7 हफ्ते हैं, अब यहाँ पे कुछ गलती नहीं हो सकती भाई। 7 वीक्स हैं, आज 185 मारूंगा, 3 हफ्ते बाद 190 मारूंगा, फिर उसके अगले 3 हफ्ते बाद 95 मारूंगा, तब जाके तो 200 आएगी 7 हफ्ते बाद। अगर पहला पड़ाव ही फेल हो जाए, थोड़ा डर लग रहा है, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो अगले 8 हफ्ते हैं आप कनेक्ट हो पाओ प्रेप से, मेरे से, जो भी ये जर्नी है, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स डू दिस, उड़ाते हैं। ऑल्सो गाइज, मैं इस टाइम पे यही प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, यह है मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR, और इसमें एक चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है कि इसमें 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको अंदर डाल के आता है। मैं जनरली 2 स्कूप प्रोटीन यूज़ करता हूँ, एंड उसके साथ साथ इसमें 50% हायर अब्जॉर्प्शन के लिए पेटेंट अप्लाइड फॉर्मुलेशन यूज़ किया गया है, एंड उसके साथ साथ इसमें एस्ट्रोजन है जो कि आपकी गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो मैं इस प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, इसका फ्लेवर्स वगैरह सब कुछ मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एंड मसल ब्लेज से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं उसमें मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना SINGHA30, उससे मुझे मदद होती है अपने प्रेप, अपने कंपटीशन पे ध्यान देने के लिए, एंड आपको भी एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। ऑल्सो तुमने एक फ़नी चीज़ देखी होगी पावर लिफ्टिंग इंडस्ट्री में, कि आज से 2 साल पहले जब मैं आया था, जब सिंघा आया था, तो रियलिटी है कि पावर लिफ्टिंग, देखो किसी को डिस्ग्रेस नहीं है, रियलिटी है कि भाई पॉपुलर नहीं था, आई मेड इट पॉपुलर, मैं हर टंके की चोट पे बोल सकता हूँ, एंड एवरीबडी हैज़ टू अग्री विथ इट बिकॉज दिस इज द फैक्ट, ठीक है। मैं बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, मैं चढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मेहनत करी। अगर तुम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना, मैंने इस गेम को पॉपुलर करने के लिए मेहनत करी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंटेंट बनाना है, इस लेवल का वीडियोग्राफी करना, ये सब करना आसान चीज़ नहीं है। नाउ अभी तुम देखते होगे कि पावर लिफ्टिंग में सारे लोग कैमरा यूज़ करने लगे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड गानों पर लिफ्टे डालना एंड ऑल दैट, सब कॉपी है।
आई डिड इट फर्स्ट एंड उड़ाते हैं ये वो करना पड़ेगा ऑल दिस कॉपी 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 बट एक चीज मेरे को समझ ही नहीं आ रही है मेरे खुद से पता है क्या हो रहा है इस वाली प्रेप में वो मेरे से आ नहीं रहा है वो पागल जैसे होता है ना बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई तू देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है ये सब बच्चों वाली चीजें छोड़ अभी फेम फॉलोअर मैं भाई रील नहीं डालता भाई इंस्टाग्राम मेरा अभी कुछ बहुत कम चीज़ें डाल रहा हूँ यूट्यूब तुमने देखा होगा हफ्ते में एक वीडियो आ रही है बिकॉज मेरा फोकस पता नहीं मैं मैच्योर हो गया कि दिस टाइम आई हैव टू विन फॉर इंडिया एंड ऑल दिस बुलशिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी भाई अभी फेमस वेमस नहीं चाहिए मैंने मेडल जीत लिया इज्जत मिल जाएगी बहुत है तो वो थोड़ी मेरे चेंज हो गई है पर्सपेक्टिव बहुत मेहनत कर रहा हूँ सच बता रहा हूँ बढ़िया मारेंगे आज Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Slow burn like a disease. एक चीज बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो ये मेरा रिस्ट्रैप है मैंने इसको बनवाया है ये ZiddiCom पे मिलता है ZiddiII तो ये 749 का है तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं अपने वाले क्यों नहीं यूज करता अपनी लिफ्ट्स में बिकॉज मैं आराम से कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो हम कॉम्पिटिशन खेलने जा रहे हैं वहाँ पे दो तीन ब्रांड्स हैं वही अफिलिएटेड हैं और उन्हीं के इक्विपमेंट्स अलाउड होते हैं ये थोड़ा सा अजीब रूल है बट आई गेस तुम समझो ना जो कंपटीशन को स्पॉन्सर करेगा उसी का सामान यूज़ कर सकते हैं काइंड ऑफ तो वो दो तीन कंपनी है यही सीन है और उनके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे भी हैं मेरा रिस्ट्रैप जो है SBD का वो 4000 समथिंग का है या 4000 का है तो ज़रूरत नहीं है उतनी हर किसी को तो यही रीज़न है कि वो अलाउड नहीं है कॉम्पिटिशन में एक बार ये हो जाए फिर अगले साल मस्त पावर बिल्डिंग काइंड ऑफ ट्रेनिंग करूँगा मैं एस्थेटिक और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ तो उसमें आराम से उसको यूज़ करेंगे मेरा गोल है कि मैं 94-95 kg बॉडी वेट लेके जाऊँ नेक्स्ट ईयर एंड उस पर भी 300-310 की डेडलिफ्ट करूँ वो आगे की सोच है वो आगे की बात है कल को क्या होना है लाइफ में अपन को पता ही नहीं है तो उसका सोचो उसका छोड़ो अभी 5 सेकंड बाद क्या हो जाए तो वो सब हटाओ अभी बस 7 अभी बस पकड़नी है तो 7 हफ्ते बचे हैं बस उसका सोचते हैं 7 हफ्ते बाद मैं बस खुद को इमेजिन करता हूँ मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं ऐसे हूँ ऐसे झुक रहा हूँ मेडल आ रहा है एंड मैं फोटो डाल रहा हूँ इस बार इतने प्लेयर्स जा रहे हैं जितना हमने इमेजिन तक नहीं करा था हमने सोचा था कि हमारी कैटेगरी में हाँ 8-10-12 मैक्स टू मैक्स 13-14-15 इससे ज़्यादा तो बंदे नहीं आते 13 में 27 मतलब 22 कंट्री है ऑलमोस्ट मतलब एक दो सेम कंट्री होगी तो फिर भी 20 कंट्री आ रही है 20 कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे आ रहे हैं एंड उनको बीट करना है सो मज़ा आने वाला है I'm playing games I create my own lane making pleasure out of pain Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. Well, buddy, yeah. Time आ गया है मेन सेट का 180 किलो मेरे को पता है मैं अभी बेंच में 190-192 मैक्स इसी के अराउंड हूँ बींग ऑनेस्ट बट वो 7 हफ्ते में 10 kg कैसे बढ़ाना है अब उसके लिए हर एक चीज़ हफ्ते में 5 बार बेंच होगी बहुत सारे सेट्स होंगे कोशिश रहेगी कि 200 टच कर पाएँ बिकॉज मेरी कैटेगरी में मैं आपको सच में कह रहा हूँ क्रेजी कॉम्पिटिशन 218 या 220 है एक बंदे की बेंच बट कोई नहीं उसकी थोड़ी डेडलिफ्ट कम है तो इतना नेक टू नेक जाने वाला है मतलब मैं आपको कह रहा हूँ 2.5-5 kg का गेम है आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में 17 दिसंबर 2 बजे दोपहर में बहुत मज़ा आएगा मैं बस ये चाह रहा हूँ लाइव आएगा मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आएगा तो जब लाइव आएगा तो वो पूरा स्पैम होना चाहिए कितने जगह लोग देख रहे होंगे मैं श्योर हूँ इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा देख रहे टाइट रहे बढ़िया से पोजीशन बना अपनी चल तगड़ा चल बढ़िया टाइट प्रेस 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 बहन कलन डरा रहा है बहन आधे में मैंने कहा बहन तो क्या हो रहा है पीछे से स्पीड ठीक आ रही थी बार में थोड़ी पीछे हो गई क्या कर रहा है भाई नॉट गुड सो मन्नू इज हियर मन्नू पुणे क्यों ट्रेनिंग
एंड ट्रेनिंग मेमोरीज ट्रेनिंग एंड बॉन्ड ट्रेनिंग एंड बॉन्ड यू केम टू दिस कैफे अबाउट 6 मंथ्स बैक विद व्हाई आई केम विद अ गुड फ्रेंड नॉट अ फ्रेंड एनीमोर व्हाई शी ब्लॉक्ड यू आई डिडंट सेड शी Why are you putting words in my mouth? But did you got blocked? That's a bit personal. I would like to avoid this question. So guys, अभी मन्नू यहीं पे रहने वाला है और जरूरी था because मैं भी ये घर पे उस zone में नहीं जा पा रहा था, है ना एक थोड़ा बहुत ही ज़्यादा comfortable था. हाँ. मतलब कोई ट्रेनिंग का टाइम सेट नहीं हो पा रहा था अभी तुम ट्रेनिंग करते हो भाई हाँ मैं अभी शुरू कर रहा हूँ अभी शुरू कर यहाँ पे शाम को हो जा रही है सो भी जाऊँगा टाइम से तो भैया ठीक है स्वामी रेस्टोरेंट आए नॉट गुड अब से हम जितने भी रेस्टोरेंट आएंगे वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा ओके भाई मुझे नहीं पता था पुणे में रेस्टोरेंट वगैरह ऑब्वियसली बिकॉज मेरी कोई झारखंड के लोग बात वो है भाई तुम्हें कैफे के हाथ में सोने का कटोरा दे दो तो पीगो कैफे कब पता चलता है जब तुम्हारे साथ कोई हो नहीं नहीं भाई सॉरी भाई मैं अच्छा क्यों भाई दिल्ली में हम सारे लड़के होते हैं कैफे होते हैं मैं यार रहा कितना एक महीने रहा हूँ मैं 7 दिन रहा था तो तू 7 दिन साधुमा घूमा मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं ट्रेनिंग करते करते घूमा भाई देख लो भाई टुडेज जनरेशन खाना आया रिकॉर्ड मैं भी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ भाई कुणाल चिल है कुणाल को अभी बढ़िया पैसे आ रहे हैं हम मेहनत हमें मेहनत करना पड़ रहा है भाई अभी वो पुलिस आई थी और चेक कर रही थी कि अल्कोहल कंजम्पशन है कि नहीं है ना तो फर्स्ट टाइम हुआ तेरा हाँ फर्स्ट टाइम भाई झारखंड में तुमको पता है कोई चेक नहीं करता हाँ तो यहाँ पे चेकिंग हुआ तो अच्छा हुआ तो लाइसेंस लेके बोलता है कि आ गया आओ हाँ वही तो हमें लगा कुछ प्रॉब्लम है बट अच्छा हुआ हम नहीं करते ड्रिंक वगैरह अमन भाई अगर रहते तो भी दिक्कत अमन भाई अगर चला रहे तो दिक्कत होती बट अपन एथलीट है तो कोई तेरे पास लाइसेंस है क्या हाँ है लाइसेंस है कैरी करता है तू फोन में डिजिटल चलो